हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, उन सारी बुक्स की जितने भी मॉडल पेपर हैं, वन बाय वन करके उस सारी बुक्स के मॉडल पेपर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ 26 नंबर से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं तो कौन से हैं। देखिए, ए नंबर पे है सूरदास, बी नंबर पे है तुलसीदास, सी नंबर पे है कबीरदास, डी में है केशवदास। तो जानते रहिएगा, कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं, तो इसलिए देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के तो कबीरदास जी हैं, लेकिन सगुण भक्ति धारा की बात करें तो उसमें सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। जानते रहिएगा, सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। और जो हमारे ये केशव प्रसाद जी, जो केशवदास जी हैं, केशवदास जी जो हैं ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। जानते 27 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, साकेत के रचयिता हैं तो कौन है। जानते रहिएगा, साकेत जो रचना है उसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 28 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो जानते रहिएगा, मैला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। तो देखिए कहाँ है फणीश्वरनाथ रेणु, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन ए में है विलक्षण, बी में है अनुपम, सी नंबर पे देखिए असाधारण और डी में है लोकातीत। तो जानते रहिए, इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है अनुपम, तो उसको हम अनुपम कहेंगे। जैसे हम कहते हैं अद्वितीय, तो अद्वितीय अनुपम, तो अनुपम जो है वो हमारा क्या है, सही ऑप्शन होगा, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक करें। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए नंबर पर है विजित, बी नंबर पर है पराजित, सी नंबर पे है अजय और डी नंबर पे है हारा हुआ। अब देखिए इसमें कई आपको देखिए ऑप्शन ए बी और डी, ये तीनों आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन जानते रहिए इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे एग्जैक्टली हम बोलते हैं विजित। तो विजित देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं, जिसको कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे। ए नंबर पर देखिए अकथक आया है, बी नंबर पर अकथनीय है, सी नंबर पर देखिए आया है अकथित और डी नंबर पर है अकथ्य। तो जानते रहिएगा, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनी। अकथनी कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर दें। यहाँ देखिए हमारा 31 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है और क्वेश्चन चूंकि देखिए कुछ नीचे हैं, जैसे 31 नंबर हो गया, 32, 33, 34 सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पेपर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, इसलिए आधा पेपर आपको कट रहा है। तो फिलहाल जितने क्वेश्चन अभी सामने दिख रहे हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहे हैं फिर उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। 38 नंबर देखिए, ऊपर देखिए क्वेश्चन आया है, महर्षि में कौन सी संधि है। तो जानते रहिएगा, महर्षि में जो संधि है वो है गुण संधि। तो गुण संधि देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर क्लिक कर। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विक्षेप है। तो जानते रहिएगा, अन्वेषण का जो संधि विक्षेप होता है वो होता है अनुधन एषण। तो अनुधन एषण देखिए कहां आया है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर दें। 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में कौन सी समास है। देखिए आपको शुरू में ही बताया गया था कि जहां संख्या की बात की जाए, जहां संख्या की बात की जाए वहां पे कौन सा होता है, द्विगु होता है। तो पंचवटी में पंच, पंच का मतलब होता है पांच, और पांच जो होता है ये संख्या को शो कर रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। द्विगु देखिए कहां आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 41 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, राजकाज, राजकाज में कौन सा समास है। तो जानते रहिएगा, राजकाज में समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष देखिए कहां आया है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर दें। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भिन्न है। भिन्न है का मतलब एकदम अलग सा, इसका मतलब चार यहां पे शब्द दिए गए हैं, चार में से तीन का मीनिंग या मतलब एक ही होगा, लेकिन एक कोई शब्द होगा जिसका मतलब अलग से होगा। तो देखिएगा हम ऑप्शन देखते हैं, देखिए ए नंबर पर है बादल, बी नंबर पर देखिए है पयोधर, सी नंबर पर है वारिज और डी नंबर पर है वारिद। तो जानते रहिएगा, ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों का मतलब एक ही है। जैसे ए नंबर पे है बादल, बादल का मतलब बादल, और पयोधर का मतलब भी बादल होता है, वारिद का मतलब भी बादल होता है, तीनों का मतलब एक ही है। और अलग कौन सा वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर सी, सी दिखाया है वारिज, वारिज का मतलब होता है कमल। तो तीनों का मतलब वहां पे था बादल और डी सी नंबर का मतलब निकल गया कमल। तो ये क्या है, इस शब्द का मतलब भिन्न है, भिन्न कौन है, एकदम अलग सा है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। अब देखिए ये भी सेम उसी तरह पूछ रहा है, देखिए ए नंबर पे है गृह,
बी नंबर पर है भुवन, सी नंबर पर है भवन और डी नंबर पर है सदन। तो जानते रहिएगा ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों का मतलब एक ही है। जैसे ए नंबर पे देखिए गृह, गृह का मतलब घर, सी नंबर पे देखिए है भवन, भवन का मतलब भी घर, डी नंबर पर है सदन, सदन का मतलब भी होता है घर ही, लेकिन देखिए डी नंबर है, डी नंबर पर है भुवन, भुवन का मतलब होता है विश्व या संसार। तो देखिए ये बिल्कुल ही मीनिंग इसकी अलग हो गई, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर पे देखिए सारे क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कट रहे थे। देखिएगा 32 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मुहावरा अंदर होना का अर्थ है। तो जो मुहावरा है अंदर होना, अंदर होना को हम क्या कहते हैं? देखिए ए नंबर पे ऑप्शन आया है भीतर जाना, बी नंबर पर है घर में बैठे रहना, सी नंबर पर है छिप जाना और डी में आया है जेल में बंद होना। तो जानते रहिए लोग, जैसे आपने सुना होगा लोग कहते हैं वो अंदर चले गए, अंदर चले गए मतलब जेल में चले गए, मतलब अंदर हो गए वो, तो उस सेंस में इसको बोला गया। तो जानते रहिए इसका अंदर होने का मतलब होता है जेल में बंद होना, तो जेल में बंद होना मतलब डी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि मुहावरा पांचों उंगलियां ई में होना का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में आया है लाभ ही लाभ, बी नंबर पे है अधिक लाभ होना, सी नंबर पे देखिए आया है सब इच्छाएं पूरी होना और डी में आया है देखिए तस्माल खाना। अब देखिए जानते रहिए इसमें अगर देखें ऑप्शन ए बी सी देखेंगे तो इस सभी का मतलब आपको एक ही तरह लग रहा होगा, लेकिन जानते रहिएगा पांचों उंगलियां घी में होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। तो लाभ ही लाभ होना देखिए कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर दें। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। वैसे अगर आपने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अगर पिछले भी अगर आपने देखा होगा तो ये कई बार आ चुका है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, रति देखिए कहाँ है नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ दोहा एवं चौपाई कैसे छंद हैं, मतलब इन दोनों, ये दोनों किस प्रकार के छंद हैं? तो जानते रहिएगा दोहा और जो चौपाई हैं ये हैं वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद देखिए कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम 36 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है मुख मयंग सम मोर मनोहर में कौन सा अलंकार है? जानते रहिएगा मुख मयंग सम मोर मनोहर इसमें है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास देखिए कहाँ आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो जानते रहिएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून इसमें है श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष अलंकार कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए ए नंबर पर है सुधा, बी नंबर पर है कौमुदी, सी नंबर पर है मंथन और डी नंबर पर है सुधाकर। तो जानते रहिएगा अमृत का इन सभी में जो पर्यायवाची है वह ऑप्शन नंबर ए सुधा, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। वैसे जानते रहिएगा बी जो आया है कौमुदी, कौमुदी जो है वो चांदनी का पर्यायवाची है, डी नंबर जो है सुधाकर, सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है और मंथन जो है यहाँ काम, ये मंथन जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है खंडन का विलोम है, तो खंडन का क्या विलोम है? देखिए ए नंबर पर है समर्थन, बी नंबर पर है निर्माण, सी नंबर पर है योजना, डी नंबर पर है मंडन। तो जानते रहिए खंडन का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर डी में देखिए है मंडन, तो खंडन का क्या हो जाएगा मंडन, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। बस ऐसे याद रखिए खंडन का मंडन, मंडन का खंडन, एकदम मैचिंग मैचिंग वर्ड है, याद रहे। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का क्या विलोम है? देखिए ए नंबर पर है नाथ, बी नंबर पर है सनाथ, सी नंबर पर है स्वामी और डी नंबर पर है निराश्रित। तो जानते रहिएगा अनाथ का जो विलोम शब्द है वो होता है सनाथ, तो सनाथ देखिए कहां ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। इसको भी देखिए बड़ा इजी है याद करना, अनाथ सनाथ, सनाथ का अनाथ, तो अनाथ का उल्टा सनाथ, सनाथ का उल्टा अनाथ, तो याद रखिएगा। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है मिलावट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो जानते रहिएगा मिलावट में जो प्रत्यय है वो है आवट, आवट देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग लगा है, देखिए ए नंबर पर है अभिमान, बी नंबर पर है गोपनीय, सी नंबर पर है सुंदर, डी नंबर पर है विटप। तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर जो बी आया है, बी नंबर गोपनीय, गोपनीय में उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है नृत्य का उद्भव शब्द है, तो नृत्य का उद्भव शब्द कौन सा है? देखिए ए नंबर पर है नृत्य, बी नंबर पर है नाच, सी नंबर पर है नच और डी नंबर पर है नचैया। तो जानते रहिएगा नृत्य का जो तद्भव है वो है नाच, नाच देखिए कहां ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। लास्ट नंबर देखिए वर्ड आया है क्या है वर्तनी का सही चयन कीजिए। अब जिनको नहीं पता वर्तनी क्या है, जानते रहिए कोई शब्द है उस शब्द को देखना है आपको कि ये सही लिखा गया है या नहीं, इसमें मात्राओं का हो सकता है मिस्टेक हो सकता है भी कुछ दूसरी चीजों का, तो आपको देखना है सही लिखा है या नहीं। तो देखिए आया है क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी का चयन करिए और क्वेश्चन क्या है परीक्षा लिखना है। तो देखिए परीक्षा चार तरीकों से लिखा गया, देखिए पहला क्या है परवीक्षा,
बी नंबर पर है परीक्षा, सी नंबर पर है परीक्षा और डी नंबर है परीक्षा। तो इसमें कौन सा सही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है जो सही है, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। मे बी आपको कुछ ना कुछ ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मे बी आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।